और लो जिस तरह साड़ी रिवायत है प्रवासी मीडिया ग्रुप दे विच असीं जापान होवे यूके होवे स्पेन होवे दुनिया का कोई भी मुल्क होवे ईवन यूक्रेन होवे खारकीव तो ओमान तो कीव तो असीं लगातार तुहाडी गलबात करवा रहे हैं वख वख लोकां दे नाल। तो जिहड़ा यूक्रेन का इस वेले ये बड़ा वड्डा संकट पैदा हो गया है जिथे खालसा एड होर बहुत सारिया सिख जथेबंदियां अगे वध के लोगों की मदद कर रही हैं। कोविड च भी असी देखिया किस तरह सिखां ने दुनिया भर के लंगर लाए हर तरह की मदद की। ऐसे ही समय के एक गुरु घर है वारसा दे विच पोलैंड दे विच एक लगभग 3 घंटे की दूरी पर है बॉर्डर तो और उत्थे इन्हां ने दरवाजे खोल दिते आ गुरु घर के संगतां वास्ते उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां नूं इमीजिएटली मदद की लोड़ है शैल्टर की लोड़ है। तो मेरे नाल लाइन दे उत्ते इस वेले इस गुरु घर तो सिंह सभा वारसा एक गुरु घर है जिथों जे जे सिंह होरी मेरे नाल जुड़े हुए है ते ओ तुहानूं सारी जानकारी देणगे। तुहाडा कोई रैलेटिव होवे तुसीं किसी नूं जानदे होवो जिन्हां नूं इमीजिएटली मदद की लोड़ होवे अगर उन्होंने कितने कोई हैल्प नहीं मिल रही तो ये मदद उत्थे कर रहे हैं। आओ मैं तुहाडी उन्हां नाल गलबात करावां। सताजय सिंह जी स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल पहला तो तुहानूं असीं इस गल की बधाई देना चाहते हाँ तुसीं ये सोशल मीडिया उत्ते मैसेज पाया होया है कि किसी नूं भी मदद की लोड़ है तो साढ़े को इतने आ जाओ गुरु घर के दरवाजे खुले है और तुसीं अपना नंबर भी दिता बकायदा तौर के उत्ते बहुत अच्छी गल है। तो सानू अपने दसो कि कित्थे है गुरुद्वारा साहब और किस तरह मदद कर रहे हो। देखो जी गुरुद्वारा साहब है वारसा सिटी विच जो बॉर्डर तो कम से कम 3 घंटे दूर है इतने काफी लोग बाग अपने आए हुए हैं यूक्रेन के पंजाबी भरा या कोई होर बाकी भी इंडियन जो भी वारसा पहुंचता पे इतने असं उन्होंने शेल्टर देने पे 2-3 रात वास्ते लंगर सारा टाइम चलता पे सवेरे दोपहरी शामी तो उदे अलावा भी जो है स्टूडेंट वो बॉर्डर के लागे एम्बेसी ने उत्थे लगाया हुआ है कैंप तो उत्थों फ्लाइटा चलदिया पईआं ने हुण अज दे दिन दे अंदर कोई 1500 आदमी निकल गया। लेकिन जो सानू पता है इस वेले कि भाई इंडियन की जी इत तबादी यूक्रेन भी सीगी हैगी है वो सीगी अराउंड 40,000 जी ये सामने से हाली तो बहुत बंदा आएगा तो असं इो बेनती करते पर जो सड़िया रेंदे पे भी चलो अपना अपना इंजाम कर दो क्योंकि बाकी होर भी बंदे आते पे सानू सबकी मदद करनी हैगी है क्योंकि साडा इरादा उही है कि जो बंदा पहले दिन आंदा है जिन्हों परेशानी हैगी है 2 रातों वास्ते उनकी मदद की जाए तो अगे उन्होंने अपना अरेजमेंट करना पैंदा। ठीक है जी असीं पूरी कम्युनिटी सेवा च लगी हुई है इत्थे वारसा विच ईवन सिंधी कम्युनिटी साडे मिली हुई है बाकी भी सारी कम्युनिटी लगे हुए हैं तो मतलब कि चलदा पिया काम। सानूं दसो किन्नी क अपनी कम्युनिटी है वारसा दे विच सिख कम्युनिटी पंजाबी कम्युनिटी सिख कम्युनिटी होनी है कोई अराउंड 200-250 के करीब होना है बट इत्थे बाकी अपने सिंधी कम्युनिटी भी हैगी है गुरुद्वारा साहब दोनों जॉइंटली चलाते हैं मतलब कि अपना जड़ी भी फंड वगैरह है जाने बाकी ग्रंथी जत्था साढ़े को परमानेंट है जो मतलब खालवा का काम ही है कि गुरुद्वारा सारा ख्याल रखन ऐसा ही चलता पा जी। बड़ी खुशी की गल है जी। ओवरऑल पोलैंड दे विच कितनी क सिख संगत होएगी और कि गुरुद्वारे किन्ने किन्ने पोलैंड दे विच कल्ला वारसा दे विच ही गुरुद्वारा है नहीं जी पोलैंड खाली एक ही गुरुद्वारा है वारसा विच ते सारे पोलैंड दे विच जिहड़ी अपने इंडियन कम्युनिटी हैगी है कोई हैगी 15,000 के करीब। अच्छा जी लेकिन मेन तुहाडी उही हैगी है वारसा हैगी है ते नाल इत्थे 120 किलोमीटर दूर होर हैगा दूजा शहर उत्थे हैगे ने जी मतलब कि इस हिसाब नाल चलदा हां जी। तो तुसीं किवें सुनेहा दित्ता होया उत्थे बॉर्डर ते यूक्रेन दे पोलैंड दा बॉर्डर क्योंकि सब तो वध असीं देख रहे हैं जिहड़े लोग यूक्रेन चों निकल रहे ने ओह पोलैंड दे बॉर्डर ते ही आ रहे ने ते उत्थों ही सब नूं गां ईवन साडी जिहड़ी कैनेडियन साडे मिनिस्टर ने फॉरन अफेयर दे मेलनी जॉली वह भी पूरा इतों जत्था लैके गए ने 50 लोगों का उतो रिफ्यूजी भर भर के जहाज आने लग पे ने तो सब नूं पोलैंड का बॉर्डर ही सूट कर रहा है। पोलैंड सब तो मतलब कि यूक्रेनियन वास्ते पोलैंड जी है फर्स्ट कंट्री हैगी है काम काज वास्ते बिजनेस वास्ते तो इसी वास्ते ज्यादा इंटरेस्ट है पोलैंड विच ही हैगा जी। और काफी सारे पोलैंड दे लोग तुहाडे कोल वैसे भी शैल्टर लैण लई पोलैंड यूक्रेन दे लोग पोलैंड च आए होणगे इस वेले क्योंकि नियरेस्ट यही पै रहा है बहुत ज्यादा तो इतने मतलब कि जो पोलिश लोग है वो भी खुल के सेवा करते पे यूक्रेनियन की उन्होंने गड्डियां फ्री देते पे घर भी रखते पे सब कुछ तो मतलब कि ऐसा मतलब कि संगत पोलिश संगत भी समझती पी है कि सेवा की जाती। ठीक है जी तुहाडे कोल अपने रिसोर्सिस पैदा कर रहे हो क्योंकि 200-250 की कोई बहुत वड्डी गिनती नहीं होंगी पर जिदा गुरु महाराज ने कहा कि दिल खुला होना चाहिए दिल वड्डा होना चाहिए सो तुसीं बिल्कुल छोटी कम्युनिटी होने के बावजूद भी किन्ने लोग तुहाडे कोल हुण तक आ चुके जद दी वार शुरू हुई है इत्थे गुरुद्वारा साहब।
ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਦਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੈਦਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 4-5 ਹੈਗਾ ਤੇ ਵੈਦਰ ਵੈਸੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਵਾਰਸਾ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੋਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਵਾਰਸਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਔਰ ਜੇ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ 4862-666-666 ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਰਸਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ